तो दोस्तों इसको और बड़े कैनवस पे ले चलते हैं। यदि शिक्षा को देखें, यदि शिक्षा को देखें तो एक 20 साल की प्रक्रिया है। स्कूल कॉलेज सब एक साथ ले लें तो एक 20 साल की प्रक्रिया है। इस 20 साल की प्रक्रिया में कोई एक बच्चा है जो अंदर आया है और एक युवा है, एक 22 साल का युवा, 22 से 25 साल का युवा जो इस प्रक्रिया से संपन्न हुआ है, एक 3 से 5 साल का युवा, एक 3 से 5 साल का बच्चा है ना, इस प्रक्रिया में शामिल होता है। यदि इसके इंग्रेडिएंट्स के रूप में देखें तो एक तरफ सबसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में शिक्षक है, दूसरी तरफ उसका एक परिवार है, परिवार में एक वातावरण है जिससे वो चीजों को सीखता है, घर की सीमाओं से बाहर आता है तो एक समाज है जिसमें मीडिया से लेके तमाम जो भी कुछ घटनाएं घट रही हैं, और फिर एक शिक्षा व्यवस्था है जो उस पूरी शिक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, और इन सब के बीच एक बालक और एक विषय वस्तु जिसके माध्यम से उसको कुछ समझ देने के, ज्ञान देने की कोशिश की जाती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि किसी भी प्रक्रिया का जो एंड रिजल्ट आया उसको देखकर हम ये पहचान सकते हैं कि प्रक्रिया अपने आप में पूरी संपन्न हुई या उसमें और गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है। तो जैसा कि हमने सुबह बात की, सुबह की हमारी सारी चर्चा से ये तो निकल के आ गया कि स्किल वाला पार्ट तो ठीक है, उसमें और कुछ कमी है तो उसको पूरा कर लेंगे, लेकिन मानसिकता वाले पार्ट में यदि देखें तो यहाँ एक सोचने की आवश्यकता बनती है। और जो हमारे भाई ने अभी कहा कैसे वो आधार बन सके, तो मैं केवल उसको फॉर्मुलेशन देने की दृष्टि से 3 बातें लिख देता हूँ। एक प्रकार की मानसिकता ये भी है कि धन ही सब कुछ है। नंबर 2, इंद्रियों में सारा सुख है, इंद्रिय सुख को हमने सबसे बड़ा माना, और सुविधा ही जीवन शैली है। अधिकतम आधुनिकतम हर आदमी अपने पास चाहता है। सुविधा ही जीवन शैली का एक सीधा सीधा मतलब है कि पड़ोसी की गाड़ी और पड़ोसन की साड़ी ये जिंदगी भर परेशान करती है। देखिए, मानव के बारे कहा गया कि वो सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति है। सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति जिसमें कि हम एक आत्मविश्वास और दुनिया भर का सारे ज्ञान की अपेक्षा करते हैं, उसका ज्ञान किसी की गाड़ी और साड़ी से प्रभावित हो जाता है। हमने पहले भी चर्चा की थी कि दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित होना है ना। तो एक तो मैं ये कहना चाह रहा था कि यदि एक जनरल सर्वे करें इस बात की आवश्यकता को महसूस करने के लिए, तो कितने प्रतिशत लोग हैं जो एक मोटा मोटी इस मानसिकता के साथ में चलते हैं कि धन ही सब कुछ है, इंद्रियों में सारा सुख है, सुविधा ही जीवन शैली है। कितने प्रतिशत? अधिकांश। तो इससे ये समझ में आता है कि यदि एक व्यक्ति की मानसिकता ऐसी है तो उसके लिए साधन महत्वपूर्ण है या संबंध महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण होगा उसके लिए, साधन महत्वपूर्ण होगा कि संबंध महत्वपूर्ण होगा? साधन महत्वपूर्ण होगा। यदि उसके लिए साधन महत्वपूर्ण होगा तो दोस्तों संबंध की स्थितियां क्या बनेंगी उसको हम अपने आसपास देख ही रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आउटकम आया, ये स्किल के रूप में, ये मानसिकता के रूप में ये स्थिति बनी। स्किल के रूप में ये व्यक्ति इंजीनियर हो सकता है। इस मानसिकता का व्यक्ति इंजीनियर बनेगा तो कैसा करेगा, डॉक्टर बनेगा तो कैसा करेगा, व्यापारी होगा तो कैसा करेगा। इस मानसिकता का व्यक्ति जो भी हो जाए,
क्या वो अपने साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, नेचर के साथ न्याय करने की तरफ जाएगा या अन्यायपूर्वक सफलता पाने की तरफ जाएगा, है ना? वो गलती करना चाहता नहीं है, लेकिन जब उसका सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, तो यदि मानव की बात करेंगे तो उसके दो चीजें हैं, मानसिकता को उसका सॉफ्टवेयर कहें, मानसिकता को उसका सॉफ्टवेयर कहें, और बेसिकली शरीर को उसका हार्डवेयर कहें। तो शरीर से तो हर मानव वो करता हुआ दिखाई देता है जो सॉफ्टवेयर उसे करवाता है। गलती सॉफ्टवेयर करता है, मार शरीर खाता है। तो शरीर की कोई गलती नहीं है, जैसे मेरी मानसिकता होती है वैसे मैं आचरण करता हूं। तो मेरी मानसिकता में कोई दृष्टिकोण है, मेरी मानसिकता में कोई समझ है, उसके आधार पे मैं शरीर से काम लेता हूं। तो दोस्तों इसका मतलब है, इस मानसिकता पे क्वेश्चन मार्क है, कैसी मानसिकता हम चाहते हैं। तो जो अभी भाई ने बात कहने की कोशिश की, एक बार उसको कैनवस पे लाने की कोशिश करते हैं।